नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप एक प्रोफेशनल लोगो कैसे तैयार करेंगे। आपको हम वीडियो में बताएंगे कि बहुत ही कम समय यानी कि मात्र 1 या 2 मिनट में आप एक प्रोफेशनल लोगो कैसे बना सकते हैं अपने चैनल के लिए। तो ये लोगो बनाना हम आपको सिखाए, इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल लोगो की जरूरत क्यों होती है। आपको बता दें कि जो लोगो होता है प्रोफेशनल, उसके वजह से आपके चैनल्स को, आपके प्रोडक्ट को पहचान मिलता है। जैसे आपने कई सारे टीवी चैनल देखे होंगे या फिर यूट्यूब पे ही कई सारे वीडियो देखे हो, तो वहाँ देखा होगा आपने कि जो यूट्यूबर होते हैं ये अपने नाम के चैनल का जो नाम होता है यहाँ पे भी एक लोगो लगा के रखते हैं। इसके अलावा चैनल के कॉर्नर में भी देख पाएंगे कि यहाँ पे भी एक लोगो लगा के रखते हैं। तो ये लोगो इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि इस लोगो की वजह से उनके चैनल के, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पहचान मिलती है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स हो, मान लीजिए कि आप लाइफबॉय सोप खरीदते हो या फिर कोलगेट, तो इन सबका एक लोगो होता है और लोगो के वजह से जो उनके प्रोडक्ट होता है उनको पहचान मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि एक प्रोफेशनल लोगो की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के एक प्रोफेशनल लोगो बनाना सीख लेते हैं। तो प्रोफेशनल लोगो बनाना शुरू करें इससे पहले आपको बता दूं कि इसके लिए आपको एक अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसे कि हम पिक्स आर्ट के नाम से जानते हैं। तो आप फटाफट अगर पिक्स आर्ट नहीं डाउनलोड किए हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ एक प्रोफेशनल लोगो डिजाइन कीजिए। तो चलिए चलते हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन की तरफ जहाँ पे आपको दिखाते हैं कि एक प्रोफेशनल लोगो कैसे क्रिएट करते हैं। तो फाइनली हम अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और आप देख पा रहे होंगे ये पिक्स आर्ट ऐप है। तो हमें सिंपल सा इसे आपको ओपन करना है। अगर आप लोगों ने इसे अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका स्पेलिंग होता है PICSART पिक्स आर्ट, ठीक है। तो इसको आपको डाउनलोड करके सिंपल सा ओपन कर लेना है। ये कुछ इस तरह से इसका फेस जो है ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्लस का निशान है, तो आपको सिंपल सा इस प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ से एक बैकग्राउंड चूज करना है। यहाँ पे ऑल फोटो के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से एक बैकग्राउंड क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लिखा आ रहा है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देना है बैकग्राउंड के लिए। तो हमने बैकग्राउंड का जो यहाँ पे देखिए कलर आ रहा है अलग अलग, आप कोई भी कलर अपने क्रिएटिविटी के अनुसार चूज कर सकते हैं। तो मैं ये वाली कलर ले लेता हूँ और एक प्रोफेशनल लोगो बनाते हैं। प्रोफेशनल लोगो बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे जो चैनल का पहला नाम है उसका लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक बेहतरीन यूट्यूबर है मनोज देव, उनका बताता हूँ। तो उनके नाम की जो स्टार्टिंग होती है मनोज होता है, यानी कि मनोज का पहला अक्षर एम होता है और उनके बाद दूसरा अक्षर दे होता है। तो हम एम और डी का उपयोग करके एक प्रोफेशनल लोगो बनाएंगे। तो चलिए हमें करना क्या है इसके लिए, हमें पहले यहाँ पे आना है, टेक्स्ट ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उनके नाम का पहला अक्षर बड़ा सा रखना है तो एम ले लेते हैं। आप जो लोगो बनाएंगे अपने नाम का बनाएंगे बढ़िया सा कुछ इसी तरह के जैसे मैं बता रहा, तो ये एम ले लेना। अब हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट जो है जो अच्छा लगे वो चेंज करना है। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा फॉन्ट बढ़िया होता है। देखिए ये फॉन्ट जो है थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है, तो हम इस फॉन्ट को ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब हमें इसकी कलर्स जो है उसे ठीक करना है। अब ये कलर हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। कलर देखिए यहाँ पे सिंपल सा कलर बहुत सारा आ रहा है, रेड, ब्लू, इनमें से भी आप रख सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप चाहे तो ग्रेडियंट ले सकते हैं, यानी कि हाफ कोई और कलर, हाफ कोई और कलर। तो आप ये हाफ हाफ करके ले लीजिए। यहाँ से ले लेते हैं हम रेड और दूसरी कलर ले लेते हैं ग्रीन शेडो कर का। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसको इस तरह से रख लेते हैं। ये थोड़ा दिखेगा नहीं, थोड़ा डार्क कोई अलग डिफरेंस कलर लेते हैं।
चलिए अब ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद हमें उनके नाम का दुखचा अक्षर लेना है, यानी कि अब हम ले लेते हैं डी। हमें जो डी को है एडजस्ट करना है। अब देखिए अगर आप सिंपल सा यहाँ पे इसको इस लाइन में एडजस्ट करते हैं डी को, तो ये बढ़िया नहीं लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि डी को कुछ अलग ढंग से एडजस्ट करेंगे। जैसे अगर हम सिंपल सा यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं तो हम इसको कुछ अलग तरीके से एडजस्ट करेंगे। और इसको देखिए हम कैसे एडजस्ट करते हैं। इसको हम पहले ऐसे टर्न कर लेंगे डी को, तो हमने डी को टर्न कर लिया और इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम इसके ऊपर इसका भी जो कलर है वो वेरिएंट कलर अलग कलर बदल लेते हैं। ये कुछ थोड़ा ठीक लग रहा है, इसका जो बैकग्राउंड है कलर बहुत ही कम कर लेते हैं। चलिए ये आपके क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कलरों से कितना अच्छा खेलना जानते हैं। तो हम इसको ये रख लेते हैं। अब क्या करना है कि अब हमें ना यहाँ पे ये देना है लोगों में ही कि हमारी जो चैनल है वो किस कैटेगरी के वो पता लग जाए। तो जैसे उनकी जो चैनल है मनोज दे की वो टेक कैटेगरी के हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल सा टेक लिख लेते हैं। लेकिन आप अपने चैनल के हिसाब, जैसे अगर आपकी चैनल न्यूज़ हो, एजुकेशनल हो, टेक्स हो, या फिर इंफॉर्मेटिकल हो, जो भी हो, मोटिवेशनल हो, तो वो इस तरह से लिख लीजिएगा। और ये यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अब इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा सिंपल सा लेना है, ठीक है। ये फॉन्ट ले लेते हैं और इसकी जो कलर है हम रख लेते हैं ब्लैक। तो ऑलमोस्ट जो लोगो है तैयार है। अब इसको थोड़ा सा शेप देनी है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स में आएंगे, अब यहाँ पे हमें सिंपल सा शेप क्रॉप करना है। जैसे देखिए ये ऑटोमेटिक जो है ये स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर बढ़िया नहीं लगेगा, हम थोड़ा सा सर्कल ले लेंगे। तो ये सर्कल ले लिया और अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल सा क्रॉप कर देना है। और इसका जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे साइड में कलर जो वाइट आ रहा है, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेड कलर का, हो गया। इसको आप एडजस्ट करके थोड़ा सा और बढ़िया कर लीजिए। देखिए तो अब ये एक प्रोफेशनल लोगो जो है दिखने लगा है। तो इस तरह से आप एक प्रोफेशनल लोगो अपने चैनल के लिए बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए उसी हिसाब का वीडियो लेके आते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।